नमस्कार दोस्तों, अनुषास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाले मेंदू वड़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसे बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है, पर एक बार आप बनाना सीख लेंगे तो इसे आप बार बार बना के खाएंगे। मेंदू वड़ा को हम बिना किसी कटोरी या मोल्ड के यूज किए बिना ही हाथों से बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले तो हम बैटर प्रिपेयर कर लेते हैं। इसके लिए हम 1 कप के करीब धुली हुई उड़द दाल, मतलब जिसके छिलके उतरे हो वो वाली उड़द दाल लेके 3 से 4 घंटे के लिए भिगो लेंगे। ये साइज में डबल हो जाएगी। ध्यान रखिए 4 घंटे से ज्यादा मत भिगोइए, क्योंकि ये ज्यादा फूल जाएगी और तलते समय तेल ज्यादा अब्सॉर्ब करेगी। हमने इसका महीन पेस्ट बना लिया है। अब इसे अब हम बाउल में निकालेंगे। अब हम इसमें जरा सी हींग डालेंगे, करी पत्ता और धनिया डालेंगे। इसे एक बहुत ही अच्छा क्रंची फ्लेवर आता है। बारीक कटी हुई हरी मिर्च ले लेंगे। 2 इंच के करीब का जिंजर लिया है, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया था। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। पहले इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सॉल्ट हम सबसे आखिरी में डालेंगे। सॉल्ट स्टेज पर डाल देंगे तो जितने भी धनिया और करी पत्ता है वो पानी छोड़ देंगी और आपका बैटर थोड़ा और लूज हो जाएगा। अब हम इसमें राइस फ्लोर ऐड करेंगे। करीब 1 कप राइस फ्लोर लिया है मैंने, जिसे हम धीरे धीरे डालेंगे। बड़ा शेप करने के लिए हमें थिक कंसिस्टेंसी का, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा बैटर चाहिए। अभी भी हमारा बैटर थोड़ा सा लूज है, हम इसमें और राइस फ्लोर ऐड करेंगे और इसे गाढ़ा करेंगे। देखिए, कुछ इस कंसिस्टेंसी का बैटर हमारा होना चाहिए। अब हम इसे थोड़ा सा सॉल्ट डाल के, मतलब अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डाल लीजिए और विस्कर से 5-7 मिनट के अराउंड विस्क करेंगे। इससे बैटर फूल जाएगा और वड़ास अंदर से हार्ड नहीं बनेंगे और सॉफ्ट और फ्लफी बनेंगे। देखिए रेडी है। अब हमें बहुत ही जल्दी काम करना है। साइड में ही मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने रख दिया था। अब हम जल्दी से इसे शेप, हाथ पानी में डुबो लीजिए और थोड़ा सा बैटर हाथ में लीजिए, बॉल का शेप बना लीजिए और फिंगर से बीच में एक होल कर लीजिए। अब इसे तेल में छोड़ दीजिए। बहुत ही सावधानी से ये चीज करिए ताकि अपनी फिंगर्स तेल में ना जाए। थोड़ी सी देर में ये बैटर रखे रह जाता है तो ये लूज होने लगता है, मतलब कंसिस्टेंसी इसकी थिन होने लगती है। तो सॉल्ट डालने के बाद तुरंत आप इसको वड़ास शेप करना स्टार्ट कर दीजिए और जल्दी से सारे वड़ास बना के रेडी कर लीजिए, वरना आपको थोड़ा सा राइस फ्लोर और ऐड करना पड़ेगा। इसे मीडियम फ्लेम पे हमेशा तलिए। अगर लो फ्लेम पे तलेंगे तो ये ज्यादा ऑयल अब्सॉर्ब करेंगे और हाई फ्लेम पे तलेंगे तो ये बाहर से तो पक जाएंगे पर अंदर से ही कच्चे रह जाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पे ही इसे पलट कर तलते रहिए जब तक कि बहुत ही सुंदर गोल्डन कलर नहीं आ जाता। देखिए हमारे वड़ा इसका कितना सुंदर कलर आया है। अब हम इसे टिश्यूज में निकाल लेंगे।
ताकि जो भी ऑयल बचा हुआ है वो भी निकल जाए। इसी तरीके से हम सारे वड़े शेप कर लेंगे, तल कर रेडी कर लेंगे। देखिए हमारे वड़े कितने सुंदर बने हैं। इसे आप चटनी या सांबर के साथ सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।